हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद का पत्र जारी हुआ है जो 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण होता है उससे संबंधित है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सिवान एवं पश्चिम चंपारण, बिहार प्रभारी प्राचार्य प्राचार्या सीटी अररिया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सिवान एवं बक्सर, डाइट अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, बक्सर, मधुबनी, नवादा एवं पटना, पीटीसी औरंगाबाद, बिहिया, भोजपुर, सिरघाटी, गया, पताही, मुजफ्फरपुर, चंदवारा, मुजफ्फरपुर, पोखरेरा, मुजफ्फरपुर, महेंद्रू, पटना, बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज, पटना, सासाराम, रोहतास, शाहपुर, पटोरी, समस्तीपुर, रामपुर, जलालपुर, समस्तीपुर, बंगरा, सारण, सिवान, सुरहत्था, वैशाली, मोकामा, पटना, बाइट, माधोपट्टी, दरभंगा, दरियापुर, पूर्वी चंपारण एवं मूसापुर, कटिहार, बिहार। और ये जो प्रशिक्षण है दिनांक 22 जुलाई से शुरू होगा और 27 जुलाई तक चलेगा। जो 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण होता है FLN कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण जो है होता है। तो प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्त करने के संबंध में जो है यह पत्र जारी हुआ है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लगभग सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण जो है करवा दिया गया है और वित्तीय वर्ष 24-25 का शुरू हो गया है जिसमें 22 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक प्रशिक्षण चलेगा। इसमें प्रतिनियुक्त करते समय यह ध्यान रखा जाए कि दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 20 जुलाई 2024 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और प्रशिक्षण जब स्टार्ट होगा तो उसका पहला दिन जो है वो भी टेस्ट लिया जाएगा, प्री टेस्ट लिया जाएगा और फिर जब प्रशिक्षण ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है फिर से टेस्ट लिया जाएगा जिसमें सभी को सम्मिलित होना जो है वो अनिवार्य है। ड्रेस वगैरह के लिए दिया गया है कि किस कलर का ड्रेस पहनना है और प्रतिनियुक्त करते समय यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी शिक्षिका जो है अपने नवजात शिशु की देखभाल हेतु किसी व्यक्ति को साथ नहीं लाए। साथ ही शिक्षिका प्रशिक्षण कक्ष में नवजात शिशु को लेकर नहीं आए। इस आशय का आदेश अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करें। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रशिक्षण संस्थान में किस जिले के प्रतिभागी को प्रतिनियुक्त किया गया है, प्रतिभागियों की संख्या कितनी है। तो अररिया में कटिहार को जो है प्रतिनियुक्त किया गया है जिसमें 280 शिक्षक है, ठीक है। फिर सिटी अररिया में पूर्णिया को किया गया है जिसमें प्रतिभागियों की संख्या 180 है। अरवल में औरंगाबाद को किया गया है, प्रतिभागियों की संख्या 240 है। गया, औरंगाबाद में गया को किया गया है सिटी और डाइट दोनों में 180, ठीक है। इसके बाद पीटीसी औरंगाबाद में भी गया को ही किया गया है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आप इसमें अपने ज़िले का देख लीजिएगा, आप जिस भी ज़िले के हैं तो उनको किस प्रशिक्षण संस्थान में टैग किया गया है। तो मुजफ्फरपुर को जो है डाइट दरभंगा में 300 शिक्षकों को और बाइट माधोपट्टी में मुजफ्फरपुर को 180 शिक्षक हैं। इसके बाद इधर वेस्ट चंपारण के शिक्षक को टैग किया गया है। तो देख लीजिएगा आप कि आपको कौन से प्रशिक्षण संस्थान में जो है आपके ज़िले को टैग किया गया है। तो इसमें सभी शिक्षकों का, सभी ज़िलों का दिया गया है और मुजफ्फरपुर को पटना में भी किया गया है 220-180 ऐसे करके शिक्षकों को। तो टोटल शिक्षक कितने शिक्षकों को टैग किया गया है उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। तो इसमें आप अपना देखते चलिए, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि सारा पढ़ना थोड़ा सा वो हो रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो टोटल जो है 11,210 शिक्षक को जो है प्रशिक्षण के लिए इस बार टैग किया गया है जो 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है जो 22 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।